इंटेंसिटी वैसे पहले भी फॉर्मूला कर चुके हैं इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है पावर एरिया तो पर मीटर स्क्वायर हम बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं बड़े बड़े फॉर्मूले कर, ले, कर लेते हैं बट छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं प्लीज नोट करते रहिए ये क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई इंटेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ एम क्या डायमेंशन होगा तो आपने बड़ी बड़ी चीजें कर ली इंटेंसिटी के पचास क्वेश्चन कर लिए मतलब पचास फार्मूले कर लिए बट आपको इंटेंसिटी का यूनिट ही नहीं आता एक दिन पहले भी आपको बताया था इंटेंसिटी को समझने के लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है कि एक बॉक्सर को इमेजिन कर लीजिए एक बॉक्सर को इमेजिन कर लीजिए वो जैसे वो जिस बैग पे प्रैक्टिस करता है जिस बैग पे प्रैक्टिस करता है पर मीटर स्क्वायर उस बैग का देख लीजिए वो उस बैग के वन मीटर स्क्वायर के सर्कल में कितनी पावर से पंच कर सकता है और आप कितनी पावर से पंच कर सकते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है इंटेंसिटी समझ आ जाती है नहीं समझ रहा बात समझ आई एक बात याद रखिए मैं थोड़ा सा रैंडम चला गया बट अगेन दिस विल हेल्प यू शायद आपको ज्योग्राफी में किसी ने बताया हो अगर टीचर अच्छी होगी तो उसने बताया होगा कि समर्स में और विंटर्स में जो फर्क है बेसिकली जो फर्क है वो इंटेंसिटी का फर्क है विंटर्स में जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है बिकॉज जो स्लांटिंग लाइंस आती है लाइन आती है समर्स में जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो एंगल ऑफ सनलाइट है सन रेज है वो स्ट्रेट हो जाता है तो समर्स एंड विंटर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट भी समझ आया तो इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है यहां तक समझ आया बाकी आपको पता ही है ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस हमने फी लिखा था जब भी फी लिखा था आपको बताया गया था ये फेज डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव्स इसका एक स्पेशल केस बनता है जो कि इम्पोर्टेंट केस है जिसमें दोनों जो वेव्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो सेम होती है और ये दो मिनट लगा के आप समझ लीजिए कि ये स्पेशल केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल वाई डी एस सी के नोमेरिकल करेंगे वाई डी एस सी में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप एक सोर्स के ही दो स्लिट्स बना रहे हैं इसलिए वाई डी एस सी में जो आई वन और आई टू है वो सेम है नहीं समझ वैसे भी डाउट है विच इज इक्वल टू आई नॉट यहां तक कोई डाउट है तो ये स्पेशल केस में यहां पर अगर मैं आई नॉट डालता हूं तो ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करता हूँ तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो ये बन जाता है अब ये जो मैं जो आपको बता रहा था ये वाई डी एस में इंटेंसिटी यहां जो स्क्रीन है ये जो स्क्रीन है यहां पर जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न में जो इंटेंसिटी की इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है मैं समझती नहीं डाउट है और तभी मैं कह रहा था कि बाकी कल कर लेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी पूरे टॉपिक की एक बार विजन ही हो जाए यार क्योंकि फिर जब हम डिफ्रेक्शन में जाएंगे तो आप मेरे से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं चाहता हूँ कि आप ना पूछें तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आई मैक्स अपॉन आई मिन ये इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड है ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर या इन टर्म्स ऑफ दिस समझ आए अब फटाफट देख लीजिए तो ये मेरा एक्स वन है ये मेरा एक्स टू है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है ये मेरी वेलोसिटी है ये मेरी इंटेंसिटी है मुझे निकालना क्या है इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव अब थोड़ा सा बात अगर समझेंगे तो वाई डी एस सी का एग्जांपल लेता हूँ हमने ये सोर्स एस वन किया था ये सोर्स एस टू किया था ये एक पॉइंट ऑन द स्क्रीन लिया था यहाँ से एक वेव यहाँ से एक वेव अगर आपको याद होगा यहां पर डेल्टा एक्स आया था समझ आ रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ यहाँ पर पाथ डिफरेंस आया था ये वाले पाथ डिफरेंस को लेके हमने फेज डिफरेंस निकाला था डेल्टा पी तो ये वाला एक्स वन और ये वाला एक्स टू लेके मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा डेल्टा पी नहीं समझ में ये जो डेल्टा पी निकलेगा वो जो डेल्टा पी है वो ये वाला डेल्टा पी है सदा भी समझ नहीं आ रहा कोई डाउट है और तो ये वाली जो लाइन है इससे आप निकाल लेंगे डेल्टा एक्स इससे आप निकाल लेंगे डेल्टा एक्स फिर ये फ्रीक्वेंसी है ये वेलोसिटी है इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव जो है वो ये फिफ्टी है तो ये देखिए ये जो है ये है इंटेंसिटी और ये है डेल्टा फी ये डेल्टा फी निकालने के लिए सरदार जी ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा क्योंकि तो डेल्टा एक्स मुझे मिल गया सॉरी मैं पहले गलत बोल गया ये डेल्टा फी निकालने के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा डेल्टा एक्स निकाल डेल्टा एक्स जो होगा वो यहाँ से मैं निकालूंगा वो मैं पहले स्लिप कर गया यहाँ से निकालूंगा एक्स टू माइनस एक्स वन कर लूँगा एक्स टू माइनस एक्स वन करके डेल्टा एक्स निकाल लूँगा ये जो डेल्टा एक्स है ये जो डेल्टा एक्स है इसको मैं डालूंगा यहाँ पर और इससे निकालूंगा डेल्टा फी और ये डेल्टा फी डालूंगा यहाँ पर यहां पर डालूंगा या ये स्पेशल केस में डालूंगा यहां पर डालूंगा ये आई नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा और इससे मैं निकालूंगा इंटेंसिटी नहीं डाउट भाई ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मैं समझते डाउट आज कोई डाउट ठीक है यार भाषण आज यहां खत्म करते हैं कल यहीं से YDSC की तरफ से चलाएंगे समझ विल मीट टुमारो एट सिक्स वन फाइव पी एम आई एम क्लोजिंग द मीटिंग